नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं गौतम अदानी के बारे में। फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी कि गौतम अदानी ने क्या किया भैया, कोल स्कैम किया है। और साथ में यह भी बोला कि इन्होंने लो ग्रेड के कोयले को एकदम हाई वैल्यू में बेच दिया। भाई साहब, अब तुरंत ही क्या हो गया कि राहुल गांधी जी ने भैया रिएक्ट किया और बोला, क्या बोला इन्होंने कि हम एक जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी फॉर्म करेंगे जो इन्वेस्टिगेट करेगा कि अदानी ने किस तरह से कोयले का स्कैम किया है। और इन्होंने एक भी बात और बोली कि हम ये तभी कर पाएंगे जब हमारी सरकार बनेगी। तो फिलहाल अभी कांग्रेस की सरकार तो बनते हुए नहीं दिखाई दे रही, तो ये मैटर तो यहीं पे खत्म हो जाने वाला है। जैसे ही राहुल गांधी जी ने बोला कि मैं एक ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी फॉर्म करूंगा जो इन्वेस्टिगेट करेगा कि अदानी ने किस तरह से कोयले का स्कैम किया, तो बीजेपी ने बोला सर एक साथ साथ ही साथ में एक और कर देना काम, 2012 में भी एक स्कैम हुआ था उसका भी जांच करवा देना सर प्लीज। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बीजेपी बोली। दोस्तों अब देखिए गौतम अदानी के ऊपर कौन सा आरोप लगाया गया है। फाइनेंशियल टाइम्स ने बोला कि हमको एक रिपोर्ट मिली थी। रिपोर्ट किसने दिया था इनको? ओसीसीआरपी यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। इन्होंने रिपोर्ट बना करके किसको दी? फाइनेंशियल टाइम्स को दी। और इन्होंने क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया। तो इस रिपोर्ट में क्या लिखा गया भैया कि 2014 में अदानी ग्रुप ने क्या किया, $28 per ton के हिसाब से इंडोनेशिया से खराब क्वालिटी का कोयला खरीदा और तमिलनाडु के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को $92 per ton के हिसाब से क्या कर दिया, बेच दिया। मतलब 28 per ton के हिसाब से खरीदा और $92 per ton के हिसाब से क्या कर दिया है, बेच दिया है। ये आरोप लगाया गया है। अब उसका शेयर पे क्या फर्क पड़ा? 7 शेयर का प्राइस बढ़ गया भाई साहब। खाली 2 शेयर का प्राइस इनका कम हुआ, एक अडानी पोर्ट का और एक अडानी विल्मर का। यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी के जो उनके शेयर हैं इनके कंपनी के वो एकदम हाई रहे, जैसे कि अंबुजा सीमेंट, एसीसी, एनडीटीवी, ये सबके शेयर क्या रहे हैं, हाई रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे जरा बढ़ते हैं यहाँ पे। अब राहुल गांधी का तो आपको मैं पहले ही बता चुका, इन्होंने बोला कि मैं जब सरकार मेरी जब आएगी तो मैं चेकिंग करवाऊंगा, इन्वेस्टिगेट कराऊंगा। अब अदानी ग्रुप की तरफ से क्या भैया आया रिप्लाई? अदानी ग्रुप के सीएफओ ने बोला कि भैया ये जितने भी इल्जाम हमारे ऊपर आरोप लगाए गए हैं सब निरर्थक, इसमें कोई अर्थ नहीं है। ये हमारे ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया है ना, वो चाहते हैं कि हमारी कंपनी ग्रोथ ना करे। साथ ही साथ उन्होंने टैग कर लिया फाइनेंशियल टाइम्स को, बीबीसी को टैग करके ये बोला कि हमारे अदानी ग्रुप के ग्रोथ में क्या कर रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं। और इससे देखिए कि बोलते हैं ना, जो बोला इन्फॉर्मेशन जो दी गई है सब गलत है। अब देखना ये भी है कि जो एक केस के अंदर क्या डेवलपमेंट होता है, ये केस के आगे कुछ जाता है यहीं पे या हवा की तरह खत्म हो जाता है। आई होप सो ये पूरा माजरा आप समझ चुके होंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को तुरंत ही लाइक करके चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करिए, बटन दबाइए, डन डन डन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।